राजधानी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों के सॉफ्ट टारगेट बने एक और व्यापारी पर कातिलाना हमला हुआ है। घटना रविवार की देर रात की है, जब नाका निवासी एक कपड़ा व्यापारी आलमबाग में अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे, तभी सरेराह बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली कपड़ा व्यापारी के हाथ में लगी है और उनकी हालत ट्रामा सेंटर में फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। देर रात हुई वारदात के बाद नाराज व्यापारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर नाका कोतवाली में जमकर हंगामा किया। दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास वह पहुंचे ही थे, तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनको ओवरटेक कर रोक लिया और उनसे कहासुनी करने लगे। इसी बीच बाइक सवार एक बदमाश ने जसवीर पर गोली चला दी। दाहिने हाथ में गोली लगते ही जसवीर लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। इस बीच बदमाश मौके से फरार हो गए। कपड़ा व्यापारी को गोली मारे जाने की खबर आग की तरह व्यापारियों में फैल गई, जिसके चलते नाराज व्यापारियों ने नाका कोतवाली का घेराव कर जमकर हंगामा किया। मामले में घायल जसवीर के परिजनों ने इलाकाई नाका पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों की माने तो उन्हें घटना की आशंका कई महीने पहले से थी और यही वजह थी कि 5 महीने पहले से ही वह स्थानीय पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नाराज व्यापारियों को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कराया और परिजनों की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया। हालांकि जिस तरह से व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे साफ है कि लखनऊ पुलिस की विफलता बदमाशों के लिए वरदान साबित हो रही है और यही वजह भी है कि व्यापारी बदमाशों के सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं। वीर सिंह जी हैं, उनके साथ वो गोली मारने की घटना की सूचना यहाँ पर दी गई है, जो अभी सूचना यहाँ थाना आलमबाग पर दर्ज कर ली गई है और उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। उनके हाथ में गोली लगने की बात बताई जा रही है, उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर है। इनकी 2017 की रंजिश है और वो इन्होंने अपने FIR में भी लिखा है और हम लोग सभी बिंदुओं पर अभी जांच कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। लखनऊ से जनमत न्यूज़ के लिए अनूप चौधरी की रिपोर्ट।